ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टू माय चैनल सतीश शर्मा SS योगा हेल्थ। आज हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक एंड प्राणायाम की, जिसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा एज यू नो कि मूर्छा मतलब कहा जाता है बेहोशी की हालत, यानी कि अपने आप में नहीं रहना। जिंदगी में ऐसे कई बार होते हैं, ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि हम चिंता, डिप्रेशन और एंजाइटी से घिर जाते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता, वी डोंट फील एनी इंथुजियाज्म एंड दैट जो एक एनर्जी चाहिए, जो एक उत्साह चाहिए उस काम को करने में, जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यू फील वेरी आइसोलेटेड, वेरी अलोन, एंड वेर एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी वीकनेस बॉडी में जब बढ़ जाती है, काम में इच्छा नहीं होती, तब ये प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ही पावरफुल एक प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक है। कैसे करना है जान लेते हैं और बाद में किसे नहीं करना है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हो, कंफर्टेबली बैठ सकते हो, अर्ध सुखासन, सुखासन, पद्मासन में आप सोफा पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते हो, जमीन पे बैठ सकते हो, बट जरूरी जो है मेक श्योर कि आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। ये प्राणायाम जो करना है, इसमें एक ब्रीथिंग टेक्निक है, कुंभक लगाना है। क्या करना है, हम जैसे बैठे अपने दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में, यानी दोनों घुटने को पकड़ लेंगे और फिर हमें सांस भरते भरते अपने चेहरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है, जितना पीछे गर्दन लेके जा सकते हो। जैसे ही हमने सांस भर लिया, पूरा ब्रेथ लंग्स में भर लिया, चेहरा ऊपर की तरफ, और फिर अपने मुंह को ऐसे खोल लेना है। यू हैव टू ओपन योर माउथ। जैसे हमने मुंह को ओपन किया और श्वास भरा, तुरंत मुंह को ओपन रखते ब्रेथ को रोक के रखना, अपने श्वास को रोक लेंगे। और देखिए, अब जैसे मैंने श्वास भरा और अब श्वास को रोक लूंगा, श्वास को रोक के रखना है, मुंह आपका ओपन, योर माउथ शुड बी वाइड एंड ओपन एंड ब्रेथ इन लंग्स, आपके फेफड़े में पूरा श्वास रहना चाहिए, और होल्ड दैट ब्रेथ, उस ब्रेथ को रोक के रखना है। और जैसे ही लगे कि बहुत अति हो चुका है, आप नहीं रोक सकते हो, यू फील टू एक्सेल योर ब्रेथ, देन स्लोली अगेन कम टू द नॉर्मल पोजिशन, धीरे से नॉर्मल पोजिशन में आएंगे, मुंह को बंद रखना है, क्लोज योर माउथ एंड देन ग्रेजुअली एक्सेल फ्रॉम योर नोज। ध्यान रहे, मुंह से श्वास नहीं लेना है, दोनों नासिका द्वार से ही श्वास लेना है। श्वास रोका, नीचे आते हुए मुंह बंद और फिर कंप्लीट एक्सेल, ठीक है, इस तरह से करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे कैसे करना है इसको 3 से 5 राउंड। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और अब धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर लेते हुए अब श्वास भरेंगे। श्वास भरना शुरू करें, पूरा भरपूर सांस लें। नाउ होल्ड योर ब्रेथ एंड ओपन योर माउथ, श्वास रोकते हुए मुंह को पूरी तरह से खोल लेना है। वेरी सिंपल, क्या किया मैंने, मैंने श्वास लेते अपने गर्दन को पीछे किया और पूरा श्वास भर लिया, और जैसे ही पूरा श्वास भरा, मैंने अपने चेहरे को ऊपर रखते हुए मुंह को ओपन किया, आई हैव ओपन माय माउथ वाइडली, और श्वास को रोक के रखा, होल्ड योर ब्रेथ, और जब तक लगा कि मैं रोक सकता हूं तब तक रोका, और उसके बाद फिर लगा श्वास को बाहर करना है तो पहले चेहरे को सीधा किया, आई हैव क्लोज माय माउथ एंड कंप्लीट एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। Now let us start. You will get the instruction from the back side. Let us do it. Dheere dheere chehra upar and start inhaling.
Now hold your breath and open your mouth. Slowly, slowly down. And exhale. Very simple technique. What we have to do? We have to slowly and gradually just get back your head to backside. Complete inhale from your nostril, not from your mouth, from your both nostril. Inhale, open your mouth, hold the breath and hold it till you feel comfortable and as much as you can. And as soon you feel you want to exhale, just come down at the proper position, close your mouth and exhale from both nostrils. Now let us do the last round. You'll get the instruction from the back side. Let us start. Face up. Inhale. Open your mouth. Face slowly, slowly down. Exhale. And after completing these 3 to 5 rounds, what you have to do? Then get your both palms open. अपने दोनों हथेलियों को छत की तरफ खोल लें और आंखें बंद रखते हुए अपने सांस को महसूस करें. Just observe your breath. You have to observe your breath from your nostril, from here to the top of the head. अपने सांस को दोनों नासिका द्वार से सिर की चोटी या सहस्रार चक्र तक आप महसूस कर सकते हैं. 9 inches above your head. You have to sit comfortably and very easily, just observing your breath up to 4 to 5 minutes. Just observe the rhythm of your breath, like how it's going, and from again to your nostril, from here to the top of your head, from here to the nostril. अपने दोनों नासिका द्वार से अपने श्वास के महसूस करें. श्वास दोनों नासिका से सिर की चोटी तक. आंखें बंद रखते हुए अपने आप श्वास आने दें और अपने आप जाने दें. 3 से 5 मिनट तक इसी अवस्था में बैठे और फिर धीरे धीरे जब भी मन चाहे आंखों को खोल सकते हैं. कैन ओपन योर आईज. बिलीव मी, इट इज वेरी पावरफुल प्राणायाम, विच इज ए मूर्छा प्राणायाम. इट विल हेल्प यू इमिडिएटली टू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट, कम आउट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस. मन बहुत बेचैन है, बहुत अस्थिर है, तुरंत आपको वर्तमान में लेके आएगा और शरीर के अंदर ऊर्जा, ताकत आपके भर देगा. अब आते हैं कि किन्हें ये प्राणायाम नहीं करना है. ध्यान रहे, जिन्हें बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर यू नो कि हाइपरटेंशन वाली ब्लड प्रेशर बता रहा हूं मैं, जिनको हाई बीपी है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे. और जिनका अगर कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, लाइक बाईपास हुई है या हार्ट में कोई स्टेंट डाला गया है, तो वो भी ये प्राणायाम नहीं करेंगे. बाकी सभी कर सकते हैं. सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्राणायाम. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए. कीप स्माइलिंग. गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, सेवा करते रहो, स्वस्थ और सुंदरता खुद ही आपके शरीर में आ जाएगी. स्वस्थ सुंदरता बनाए रखिए स्माइलिंग करते हुए और सेवा करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद. सी यू सून. थैंक यू सो मच.